तलवार, शील्ड, स्पेयर, तीर, कमान, इन सब का नाम आते ही हमारे सामने युद्ध की तस्वीर बनने लगती है। समय के साथ चीजें जुड़ती चली गईं और युद्ध शैली इवॉल्व होती गई। लेकिन एक आविष्कार जिसने युद्ध शैली को एक नया आयाम दिया, श्री कृष्ण के सारथी बनने से लेकर कर्ण के युद्ध से जुड़ी कथाएं इस रचना के बिना अधूरी है और हमारी आज की डिस्कवरी भी। जब साक्ष्य के समक्ष शब्द कम हो तो ये है हमारी खोज, भारतवर्ष में मिला पहला रथ। सडनली इट बिकेम ऑफ इंटरनेशनल फेम। ताबूत के साथ रथ मिले हैं जो प्राचीन संस्कृति की तरफ इशारा करते हैं। सादिकपुर सनौली की खुदाई ने हमारी प्राचीन सभ्यता के कई राज उजागर किए हैं। ये एक रथ है, तिकोनी डिजाइन की गई है। ऐसा लगता है कि ये जो संस्कृति के लोग थे वो बहुत ही विकसित और सोफिस्टिकेटेड कल्चर के लोग थे। इंडिया में कभी नहीं मिली थी चैरियट। चैरियट फाइंड्स फ्रॉम द 2018 एक्सकेवेशंस डेफिनेटली इज अ रिमार्केबल फाइंड, यूनिक फाइंड। अर्लियर एक्सकेवेशंस वी हैव नॉट फाउंड सच टाइप ऑफ चैरियट्स एल्सवेयर। हमारे अतीत की शौर्य गाथाओं का आधार है ये रथ, हमारे स्वर्णिम इतिहास और पूर्वजों की कलात्मक रचना। मेसोपोटामिया और सुमेरिया में सनौली से पहले मिले चैरियट भी इस रथ की पूर्णता के सामने नहीं टिक पाते। चैरियट का मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम हिस्ट्री को दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। Many historians in the country believe that Aryan came from outside India. Earlier thoughts थे कि चैरियट इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी बाद में आया। उन्होंने वो प्री कंसीव्ड मोशन से कई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी, थ्योरी खड़ी कर दी, और बाद में जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आई तो पता लगा कि ये एक प्रपोज थ्योरी थी। दे ट्विस्टेड द फैक्ट। टू बी वेरी फ्रैंक, आवर सिविलाइजेशन इन मेनी वेज इज अर्लियर देन मेसोपोटामिया, बट बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न थ्योरी, वेस्टर्न हैज बनी, द क्वेश्चन इज दे हैव नॉट अलाउड दैट इंडियन सिविलाइजेशन शुड बी अर्लियर देन मेसोपोटामिया एंड अदर। वो ऐसा ट्विस्टिंग हुआ कि 100 साल लग गए उसको ट्विस्टिंग को, उस इतिहास को दोबारा से ठीक करने। सनौली के जो डिस्कवरी है, जो खोज है, वो 21वीं सदी की सबसे इम्पोर्टेंट खोज है साउथ एशिया में। अलेक्जेंडर ग्लैडिएटर्स द्वारा लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में रथों ने जीत की बड़ी भूमिका निभाई है। उन युद्धों से सैकड़ों साल पहले की रचना है ये रथ। सदियों से कई आपदाओं को झेलने के बाद भी ये रचना पिछले 4000 सालों से अडिग है। 2 बरियल्स में 3 रथ मिले जो सदियों से अपनी कहानी छुपाए हैं। पहली बार भारतीय महाद्वीप में इस तरह की कोई फाइंडिंग्स मिली है। आप ये देखेंगे कि ये एक वुडन चैरियट है और इस वुडन चैरियट में एक व्हील यहाँ है, दूसरा व्हील यहाँ है। जो चैरियट का व्हील है ना, और डेकोरेटेड है, इनले डिजाइनिंग है ट्रायंगल शेप में, वो 3 लेयर की डिजाइनिंग है और ये ट्रायंगल्स ऐसा लगता है कि रेडिएटेड सन की तरह दिखाई दे रहा है। कॉपर का जो यूज किया गया है वो इतना रिफाइंड है, इसको देख करके हमें लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी इस टाइम पे। व्हील यानी चक्का ह्यूमन इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा आविष्कार रहा है। आज के जमाने के टायर ट्यूब्स आविष्कार नहीं है, वो सिर्फ आविष्कारों का आधुनिक रूप है। जैसे गाड़ियों के लिए डीजल पेट्रोल, वैसे ही रथों के लिए उन्हें खींचने वाले जानवर। इस चैरियट के पर्पस को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह चैरियट किस जानवर के हिसाब से डिजाइन किया गया था।